Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today we will do in book 2. In this, we will do page number 5 and 59. Okay, in this, we will see his and her. Okay, his or her, kaise use hota hai, wo aaj hum yahan pe seekhenge. Okay, in this, जैसे कि हम प्रीवियसली हमने देखा था कि जब भी हम सपोज हमें ये बताना है कि दिस इज माय ब्रदर, ये मेरे भाई है. ओके, अभी आपको आपके ब्रदर का नेम बताना है, तो व्हाट यू विल से, हिज नेम इज राजू. ओके, इसका आपके ब्रदर का नाम क्या है? राजू. तो उसके लिए, बॉय के लिए क्या वर्ड यूज होगा? ही. ओके, अगर आपकी सिस्टर है तो आप क्या बताओगे? दिस इज रिया. ओके, यहाँ पे रिया नाम की है, उसके रिलेटेड कोई चीज बतानी है. सपोज रिया का है, ओके, दिस इज रियाज बैग. ओके, यहाँ पे रिया का ये बैग. ओके, ऐसे आप कोई भी चीज के रिलेटेड बताना है, या कोई आपके ब्रदर हो या सिस्टर है, तो ब्रदर है तो ही यूज होगा और सिस्टर है तो हर यूज होगा. ओके, नाउ हियर आई विल रीड द सेंटेंस. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड हिज और हर. यहाँ पे हिज और हर वर्ड यूज करके हमें यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना. ओके, हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, टी एच आई एस दिस आई एस इज. हियर इज द इमेज, यहाँ पे इमेज है आपकी बुक में, उसके बाजू में क्या लिखा है? टीना, यहाँ पे गर्ल है. ओके, टीना इज अ गर्ल, दिस इज टीना, ये टीना है. ओके, टी एच आई एस दिस आई एस इज, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे इमेज है बी एल जी बैग, यहाँ पे बैग है. दिस इज, अभी यहाँ पे हमने टीना है वो गर्ल है. ओके, तो यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? टीना का बैग, तो वी विल यूज द वर्ड हर. ओके, टीना इज अ गर्ल, सो उसके रिलेटेड जब भी वर्ड यूज होगा दैट इज हर. ओके, दिस इज टी हर बैग, दिस इज हर बैग, दिस इज टीना, दिस इज हर बैग. ओके, नाउ हियर इज द इमेज ऑफ अ बॉय. यहाँ पे एक बॉय का इमेज है, उसका नेम क्या लिखा है? आर ए वी आई, रवि. ओके, एल आई के ई एस लाइक, टी ओ टू, देन पी एल ए वाई प्ले, डबल आई ई एच वेट. यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे बैंक है, और यहाँ पे क्या है? इमेज है. किसकी इमेज है? सिस्टर की है. सिस्टर यानी बहन. एस आई एस टी ई आर सिस्टर. रवि लाइक टू प्ले, अभी यहाँ पे रवि बॉय है, उसको किसके साथ खेलना अच्छा लगता है? उसकी सिस्टर के साथ. तो रवि इज अ बॉय, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही. ओके, रवि लाइक टू प्ले विद ही, एच आर एस ही. ओके, ही इज सिस्टर. ओके, नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट, टी एच आई एस दिस आई एस इज. हियर इज द इमेज ऑफ अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल है, उसका नेम क्या है? नेहा. दिस इज नेहा, ये नेहा है. यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है. हियर इज द फर्स्ट स्टॉप. ओके, फिर यहाँ पे हमें लिखना है, आफ्टर दैट हियर इज द इमेज ऑफ पर्स, पी यू आर एस ई पर्स, आई एस ई पी आई एन के पिंक. ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दिस इज नेहा, ये नेहा है. ओके, हर पर्स इज पिंक, यहाँ पे उसका पर्स पिंक है. ओके, तो वी हैव टू राइट हियर हर. ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हर, क्योंकि नेहा क्या है? गर्ल. मगर यहाँ पे जो हर लिखेंगे उसमें एच क्या होगा? कैपिटल होगा, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग. यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, तो यहाँ पे एच क्या आएगा? कैपिटल एच ई आर. हर पर्स इज पिंक, उसका जो पर्स है वो पिंक कलर का है. ओके, नाउ हियर इज द फोर, यहाँ पे एक इमेज है,
दिस इज द इमेज ऑफ ए बॉल जे ओ ई जॉ लाइक एल आई के एस लाइक टू आर ई ए डी रीड यहाँ पे जॉ नाम का जो बॉल है उसको क्या पसंद है रीड करना पसंद है टी एच आई एस दिस After that, we have to write. यहाँ पे ये blank है. Here is the image of a book. यहाँ पे आपके पास book में क्या है? Image है book का. B double O K book. This is यहाँ पे ये कौन है? Boy है. So we will write his. This is your like to read. This is his book. Okay. So we will write here his. H I S. This is his book. Okay. यहाँ पे उसका एक book है. Okay. After that, here is the image of a boy. Okay. उसका name क्या है? Arav. A R A V. Arav. W I W L. Will. G O go. W I T H. Wait. यहाँ पे dash है और यहाँ पे क्या है? Friend है. Okay. So Arav is a boy. वो कहाँ जा रहा है फिर वो विथ हिज फ्रेंड वो किसके साथ जाएगा वो अपने फ्रेंड के साथ जाएगा सो वी हैव टू राइट हियर हिज एच आई एस हिज ओके नाउ स्टूडेंट्स यू विल ऑल्सो कंप्लीट दिस थिंग इन योर बुक नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्टे सेफ एट होम